जबकि वजीर आजम ने कहा है कि पंजाब ने अपने फंड से बिजली के बिल्स में 2 माह का रिलीफ दिया, विफाक का कोई लेना देना नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने आवाम को रिलीफ दें। उन्होंने इस मामले पर सियासत से गुरेज का भी मशवरा दिया। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ, सूबों के पास वाफिर वसाइल हैं, एनएफसी की मद में खरबों रुपए मिलते हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक आवाम के लिए रिलीफ दिया जो उनका हक है, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने सूबे के आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। बदकिस्मती से बाज़ जगहों से कुछ ऐसी बात सुनने की मिली जिससे की अफसोस होता है। केपीके के एक वजीर है, उन्होंने कहा कि वफाक ने पंजाब के लिए ये सहूलत मुहैया की, उन्होंने केपी की क्यों नहीं दी, उन्होंने बाकी सूबों को नहीं दी। कितनी ज्यादती की बात है। अगर केपी की हुकूमत इस तरह की रिलीफ आवाम को वहाँ की देना चाहती है, सौ बिस्मिल्लाह, हमें बड़ी खुशी होगी केपी की हुकूमत पंजाब को फॉलो करते हुए अपने आवाम को ये सहूलत मुहैया करें, गर्मियों में रिलीफ दें और दीन और दुनिया दोनों कमाएं। बाकी सूबाई हुकूमतें भी बड़े शौक से ये सहूलत मुहैया करें। इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए।